जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ क्लास फॉर एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज फिर से सर क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन लेके आए हूं दोस्तों, जो आरआरबी ग्रुप डी में एनटीपीसी में सर क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगेगा दोस्तों तो पूरा का पूरा व्यू कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कॉमेंट एंड लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से, जो कि आपके स्क्रीन पर, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर वन, दो वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि उनकी भुजाओं का अंतर 4 सेंटीमीटर है तो दोनों वर्ग की भुजा का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले एक और एक मतलब दो वर्ग बनाते हैं दोस्तों, ठीक है, और दो वर्ग बनाना है, ठीक है। तो पहला वर्ग मान लेते हैं ये रहा, ठीक है, और एक वर्ग मान लेते हैं, ठीक है, और जिसमें से दो वर्ग का अंतर दिया हुआ क्षेत्रफल का अंतर, तो पहला साइड मान लेते हैं x और दूसरा वाला मान लेते हैं y, ये भुजा हो गया। अगर हम इसको x मानते हैं तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होता है आपस में बराबर होती है। अगर इसको y मानते हैं तो ये भी y हो जाएगा, वही y हो जाएगा, वही y हो जाएगा, ये वर्ग हो गया। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ना दोनों के क्षेत्रफल का अंतर दिया हुआ है, क्या है ना दोनों का क्षेत्रफल, पहला का क्षेत्रफल क्या होता है ना x का स्क्वायर और दूसरा क्या है ना वाई का स्क्वायर, और इन दोनों का अंतर जो दिया हुआ है क्वेश्चन में 32 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो 32 मान लेते हैं इक्वेशन नंबर वन, ये दिया हुआ है दोस्तों क्वेश्चन में, ठीक है। और क्या दिया हुआ है ना, इन दोनों के भुजा का अंतर भी दिया हुआ है, तो इसका भुजा क्या है ना एक्स और इसका भुजा क्या है ना वाई, और इन दोनों का अंतर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर दो मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों वर्ग के भुजा का अंतर निकालना है, यानी x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा, बस इसका मान निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर वन में कि x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों, आप लोग पढ़े होंगे कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और होता है a माइनस बी, ये आप लोग पढ़े होंगे। तो इसी से इसको हम तोड़ सकते हैं, तो इससे तोड़ना है तो क्या हो जाएगा ना x प्लस वाई और यह हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 32, ठीक है, कि x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 32। इसमें से देख सकते हैं कि x y का मान यहां दिया हुआ है कितना है ना 4, तो यहां 4 लिख सकते हैं, तो x प्लस वाई का मान क्या हो जाएगा ना यहाँ 4 है 4 लिख सकते हैं 32। अब इसको इसका साथ काट सकते हैं कितना हो जाएगा ना 8 होगा, तो x प्लस वाई का मान हो गया 8, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब चाहिए क्या ना x और y का मान चाहिए, तो इक्वेशन 2 से और 3 से हम x का y का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर इसको लेते हैं तो यहाँ क्या है ना माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होगा यानी ये कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा ना 2x हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है तो प्लस 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 हो जाएगा, यानी 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा ना 12 हो जाएगा। इसको इसके साथ काट देंगे तो x का मान क्या आ जाएगा ना 6, x का मान जो होगा वो 6 होगा, ठीक है। अब क्या चाहिए ना y का मान चाहिए, तो x का मान अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं तो y का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है ना x और यहाँ क्या लिखेंगे ना 6 और ये 4 को इधर ले आएंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं कि x माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया हुआ है, जिसमें से x का मान कितना है ना 6, तो 6 लिखेंगे और ये 4 को इधर ले आएंगे, कितना हो जाएगा ना माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ आके माइनस हो जाएगा, और यहाँ y प्लस में माइनस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा ना प्लस y हो जाएगा, तो 6 में 4 घटेगा कितना हो जाएगा 2, तो ये y का मान हो गया 2, और यहाँ x का मान कितना है ना x का मान यहाँ 6 है, ठीक है, x का मान 6 हो गया और y का मान क्या है ना 2, तो ऑप्शन नंबर दिया हुआ है इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, यानी पहला भुजा का मान होगा 6 सेंटीमीटर, दूसरा भुजा का मान होगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 13√2 यूनिट है तो उसके क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। तो क्या करना है ना, पहले एक वर्ग बनाते हैं, और बेसिक से आप बना सकते हैं, फॉर्मूला याद रहे या ना रहे, ठीक है, बेसिक कभी भी नहीं भूल सकते हैं, बेसिक जो होता है और याना वो जो है आना ही चाहिए आप लोगों को। तो मानते हैं एक वर्ग ले लेते हैं, ठीक है, ये वर्ग मान लिए इसको वर्ग, और जिसने से विकर्ण का मान दिया हुआ है, तो विकर्ण क्या बोलते हैं हम लोग, इसको विकर्ण बोलते हैं, इसका मान दिया हुआ है ना 13√2 यूनिट में दिया हुआ है,
तो वर्ग में क्या होता है ना, ऑल साइड आर इक्वल, ठीक है, लिख सकते हैं। अगर ये 90 डिग्री का है, क्योंकि वर्ग में जो होता है वो 90 डिग्री का बनाता है, और 90 डिग्री के सम्मुख कोण जो होता है वह कर्ण होता है, और पाइथागोरस नियम बताता है कि कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर कितना है, कर्ण का मान कितना दिया हुआ है ना, 13√2 दिया हुआ है, का स्क्वायर होता है, और आधार का स्क्वायर, तो आधार क्या माना है, ए दिया हुआ है, तो ए का स्क्वायर, ऊंचाई में क्या है ना बी ए, तो ए का स्क्वायर हो गया। अब इसका स्क्वायर मतलब √13√2 का स्क्वायर करना है, तो कितना हो जाएगा ना 13√2 मल्टीपल 13√2, और यहाँ ए वन है, यहाँ भी वन है, तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और √13 मल्टीपल 13 कितना हो जाएगा ना 169, और √2 कितना हो जाएगा ना 2 हो जाएगा, और यहाँ 2a का स्क्वायर दिया हुआ है, ये 2 कर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या है ना, a का स्क्वायर है, तो इसको दे देंगे रूट हो जाएगा, तो √169 इक्वल टू a हो जाएगा, तो a का मान क्या होगा ना 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब निकालना क्या है दोस्तों ना, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या होता है ना, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर क्या दिया ना a का स्क्वायर, तो यहाँ क्या है ना 13, तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो होगा वह बी होगा, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं इजी से और आसानी से, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक फॉर्मूला, ठीक है, बेसिक रूल्स हो गया। अब आप इसको आसानी से इजी से निकाल सकते हैं जब फॉर्मूला याद रहेगा तो, ठीक है। तो क्या होता है ना, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण इक्वल टू होता है ना √2 ए होता है, ठीक है। तो वर्ग का विकर्ण का मान दिया हुआ है कितना ना, दिया हुआ है 13√2, और यहां होता है √2a, ये √2 कर जाएगा, तो a का मान क्या होगा ना 13 हो गया। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कैसे ना, जब विकर्ण का फॉर्मूला याद रहेगा तो देखिए यहाँ a का मान क्या निकला 13, और बेसिक से निकाला यहाँ a का मान 13, मतलब इतना करना पड़ा तब निकला 13, यानी बेसिक से इस तरह बनेगा और ये फॉर्मूला याद रहेगा तो इस तरह बनेगा। अब क्या निकालना है ना, क्षेत्रफल निकालना है, यानी एरिया निकालना है, तो क्या होता है ना, साइड का स्क्वायर कितना है ना 13 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 169, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला याद रहेगा तो इजी से आसानी से निकाल सकते हैं, तो आंसर क्या होगा ना, इसका भी बी होगा। तो ये हो गया फॉर्मूला तरीका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, एक वर्ग का विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, यानी भुजा निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है ना, वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या होता है ना, वर्ग का विकर्ण इसका टू होता है √2a, ठीक है। वर्ग का विकर्ण का मान दिया हुआ है कितना है ना 26 इसका टू √2a, तो a इसका टू क्या हो जाएगा ना 26/√2 हो जाएगा। अब हर का परिमिकरण करना है, तो इसको हटाना है, तो यहां लिखेंगे √2/√2 हो जाएगा, ये आप लोगों को पता होगा, तो 26 को √2 से मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 26√2, और यहाँ √2 मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा 2 कर जाएगा, कितना हो जाएगा ना 13 हो जाएगा, तो 13√2 हो गया, ये हो गया भुजा का मान, ठीक है। तो ये हो गया भुजा का मान, और ये सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा ना, सेंटीमीटर ऑफ ना, ठीक है। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, बाय फॉर्मूला याद रहना ही चाहिए दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि पर बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है। तो इसको कैसे बना सकते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ना, एक वृत्त बनाना पड़ेगा, और उसकी त्रिज्या जो होना चाहिए वह 13 सेंटीमीटर होना चाहिए दोस्तों। तो एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ ना, ये वृत्त बन गया, ठीक है, और इसकी त्रिज्या जो है, तो त्रिज्या किसे कहते हैं ना, जो केंद्र से होके गुजरता है उसे त्रिज्या कहते हैं। तो मान लेते हैं त्रिज्या जो है वह 13 सेंटीमीटर है, ठीक है, 13 सेंटीमीटर है, ये मान लिया, और इसके अंदर वर्ग बनाते हैं। तो दोस्तों एक हो गया वृत्त, और वृत्त के अंदर एक क्या है ना, वर्ग है, ठीक है, और इसमें से 13 सेंटीमीटर जो है वह त्रिज्या है, कितना है ना त्रिज्या है, सिर्फ यही दिया हुआ है, और इसी त्रिज्या से इसके अंदर जो बनाया गया है वर्ग, इसका क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इजी से निकाल सकते हैं, बेसिक फॉर्मूला याद रहेगा तो, ठीक है। तो मान लेते हैं, अगर त्रिज्या क्या होता है ना, केंद्र वृत्त पर बने हुए त्रिज्या हर जगह क्या होता है, समान होता है,
तो मान लेते हैं अगर यहां से यहां तक 13 सेंटीमीटर हो गया, तो यहां से यहां तक भी जो त्रिज्या होगा वह 13 सेंटीमीटर ही होगा। तो टोटल कितना लिख सकते हैं, 26 सेंटीमीटर लिख सकते हैं पूरा यहां से यहां तक का विकर्ण, इसको बोलते हैं विकर्ण। ठीक है, तो विकर्ण का नियम क्या बताता है, पाइथागोरस का नियम बताता है कि कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण कितना दिया हुआ है ना 26, तो 26 का स्क्वायर, और इसको मान लेते हैं ए ए और ए, इसको भी मान लेते हैं ए, तो क्या होता है ना आधार का स्क्वायर, आधार में क्या दिया हुआ है ना ए, और उसमें भी क्या दिया हुआ है आधार का स्क्वायर, ये हो गया आधार का स्क्वायर, ये दिया हुआ लंब का स्क्वायर, लंब में क्या है ना ए का स्क्वायर, इसको मान लिया है ये बेसिक से निकाल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब 26 का कितना होता है ना 676 होता है, तो 2a का स्क्वायर, क्योंकि 1a 2a हो गया, अब इसे स्क्वायर काट सकते हैं कितना जाएगा ना तीन बार में 8 बार में। ठीक है, तो a का स्क्वायर हो जाएगा ना 338। ठीक है, तो a स्क्वायर लो क्या हो जाएगा ना अंडर रूट 338। ठीक है, तो दोस्तों क्या बन गया ना, ये जो निकला हुआ है वर्ग की भुजा हुआ है, तो क्या निकालना है ना वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या होता है ना वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ना भुजा का स्क्वायर, तो भुजा हम लोग क्या माने हैं ए, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, तो ए का मान यहां क्या दिया हुआ है ना रूट 338 का स्क्वायर, तो जब क्या होता है ना इसको दो बार लिखना है, स्क्वायर मतलब क्या हुआ दो बार, यानी 338 रूट 338 मल्टीपल रूट 338। ठीक है, यानी 338, अब इसका रूट 7 आता है, तो क्या रूल होता है कि अगर मान लीजिए कि रूट टू मल्टीपल रूट टू करते थे तो क्या होता था ना 2 होता है, क्योंकि यहां भी सेम ही है, तो ये 338 है, 338 है रूट में है, तो क्या होगा ना 338 होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं इजी से और आसानी से। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर है, सॉरी वर्ग मीटर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है ना वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा का स्क्वायर ए का स्क्वायर मान लेते हैं, जिसमें क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना है ना 196 दिया हुआ है, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर उधर लेते हैं रूट में ले आते हैं, तो 196 का वर्गमूल क्या होता है ना 14 होता है, ए का मान हो गया ना 14 मीटर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो होगा नंबर सी होगा, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं इजी से और आसानी से दोस्तों। तो दोस्तों पूरा का पूरा व्यू एंड सब्सक्राइब कमेंट लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के इतना ही, जय हिंद जय भारत।